केट मिडलटन ने प्रिंस विलियम के साथ लिंडो विंग के बाहर शाही शिशु लड़के को दिखाया क्योंकि वेल्स कहते हैं आपको उसका नाम इंतजार करना होगा। माता पिता केट और विल के लिए यह तीसरा बच्चा है जिसमें सट्टेबाजी के लिए सबसे पहले संभावित नामों पर पट्टियां पहले से ही पेंट ले रही हैं। कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस खुशी से उत्साहित हुए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को देश और दुनिया में पेश किया। लिंडो विंग के चरणों पर चित्रों के बाद विलियम और केट ने सेंट मैरी अस्पताल को अपने नए आगमन के साथ छोड़ दिया। अपने आराध्य कुल के लिए एक वाहक लाने के लिए अंदर वापस घूमने के बाद विल्स और किट एक प्रतीक्षा शाही कार में फिर से दिखाई दिए। चूंकि प्रिंस विलियम ने सावधानी से अपने बेटे को अंदर रखा और किट को मोटर में मदद की, उसने तीन अंगुलियों के साथ कैमरों को इशारा किया। उसने मजाक किया, हम बहुत खुश हैं, चिंता अब तीन बार। हमने आपको इस समय बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। अपने बेटे के संभावित नाम के बारे में पूछे जाने पर विल्स ने जवाब दिया, आप जल्दी या बाद में पता लगाएंगे। सट्टेबाजों ने एल्बर्ट आथ जैक और फ्रेड को पसंदीदा नाम दिए हैं। केट कैम्ब्रिज के डचेस ने आज सुबह देशभक्त सेंट जॉर्ज दिवस पर 8 LBS 7:11 बजे वजन वाले स्वस्थ बच्चे के लड़के को जन्म दिया। उसने एक जीवंत लाल पोशाक पहनी, राजकुमारी डायना के लिए एक चिल्लाहट के रूप में देखा और सैकड़ों शुभचिंतकों और इकट्ठे पत्रकारों में मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने बच्चे को कुचल दिया था। शाही परिवार को समाचार से प्रसन्नता कहा जाता है। रानी को सिंहासन के 5वें लाइन के आगमन के बारे में सूचित किया गया है। इससे पहले प्रसन्न पिता प्रिंस विलियम उत्साहित प्रिंस जॉर्ज और राजकुमारी शार्लोट के साथ अपने नए भाई से मिलने के लिए प्रसूति विंग में पहुंचे। लिटिल शार्लोट तो विशेष रूप से उत्तेजित हुए और प्रतीक्षा प्रेस में घुस गए क्योंकि वह और उसके बड़े भाई प्रिंस जॉर्ज चार अपने पिता के साथ हाथ में चले गए। एक बयान में कैंसिंगटन पैलेस ने कहा, उसकी रॉयल हाइनेस कैम्ब्रिज के डचेस को 1101 बजे सुरक्षित रूप से बेटे के लिए पहुंचा दिया गया था। बच्चा 8 LBS 7 औंस वजन का होता है। कैम्ब्रिज का ड्यूक जन्म के लिए उपस्थित था। उसकी रॉयल हाइनेस और उसका बच्चा दोनों अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, रानी एडिनबर्ग का ड्यूक प्रिंस ऑफ वेल्स द डचेस ऑफ कॉर्नवाल प्रिंस हैरी और दोनों परिवारों के सदस्यों को सूचित किया गया है और कब्रों से प्रसन्न हैं। रानी ने आज अपने नवीनतम महान पोते का जन्म विंडसर कैसल में घोड़े की सवारी के साथ मनाया। यह इतिहास में पहली बार है कि एक लड़का उत्तराधिकार की पंक्ति में अपनी बड़ी बहन से पहले नहीं होगा। राजकुमारी शार्लोट चौथे स्थान पर होगा भाई जॉर्ज के पीछे, लेकिन उसके नए पुरुष भाई के सामने रॉयल वॉचर्स अब नए परिवार के 5 साल के पहले आधिकारिक चित्र के लिए सांस लेने वाली सांस के साथ इंतजार करेंगे। केट के स्टाइलिस्ट लिंडो विंग को छोड़कर देखा गया था कि उत्तेजना आज बुखार पिच पर पहुंच गई थी। एक संकेत वह छोड़ने की तैयारी कर रही थी। कई शाही प्रशंसकों को अस्पताल के बाहर हफ्तों तक कैंप किया गया है। छोटे लड़के केट और विलियम के दूसरे बेटे की नजर रखने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री तायसा मई के साथ युवा परिवार के लिए बधाई के संदेश पहले से ही शुरू हो चुके हैं। मेरे बच्चे के जन्म पर कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन्हें भविष्य के लिए बड़ी खुशी चाहता हूँ। शहर वाहक ने परंपरागत संगठन पहने हुए खुशखबरी की घोषणा भी की क्योंकि उन्होंने लिंडो विंग के बाहर घोषणा साझा की। बकिंघम पैलेस पर एक बड़ा संघ ध्वज भी उठाया गया था, जबकि पवान लड़के के जन्म का जश्न मनाने के लिए विंडसर कैसल पर एक राज्य मानक उठाया गया था। समर्थन के अन्य संदेश भी रॉयल नेवी से आए। गर्व से बोले गए बोर्ड पर HMS एल्बियन।
हस्तियां भी बधाई के संदेश पोस्ट कर रहे हैं। लियाम पाइने ने ट्विटर पर लिखा, कैम्ब्रिज के टॉर कैम्ब्रिज के ड्यूक रॉयल हाइनेस द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अपने बच्चे के जन्म पर रॉयल बीबी अध्यक्ष जॉन बर्को ने कमेंट से कहा, मुझे यकीन है कि पूरा घर कैम्ब्रिज के रॉयल हाइनेस ड्यूक और डचेस भेजने में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो उनके बेटे के जन्म पर हमारी सबसे अच्छी बधाई है। रक्षा सचिव गेविन विलियमसन ने आगे कहा, मैं सरकार को आपकी टिप्पणियों और घर में छांव से जोड़ना चाहता हूं। केंसिंगटन पैलेस ने आज सुबह उत्साह की झटका पैदा की थी जब यह घोषणा की गई थी कि किट को आज सुबह 6 बजे से पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्वीट में महल ने पुष्टि की, उसकी रॉयल हाइनेस डेम्बस ऑफ कैम्ब्रिज को श्रम के प्रारंभिक चरणों में आज सुबह लंदन के सेंट मैरी अस्पताल पैडिंगटन लंदन में भर्ती कराया गया था। डचेस ने केंसिंगटन पैलेस से कार द्वारा कैम्ब्रिज के ड्यूक के साथ सेंट मैरी अस्पताल में लिंडो विंग तक यात्रा की। 36 वर्षीय ड्यूक पिछले जन्म काफी तेज मामलों में रहे हैं। केट के पास 22 जुलाई 2013 को अस्पताल पहुंचने के 11 घंटे से भी कम समय में जॉर्ज था। शार्लोट का जन्म 2 मई 2015 को मार्केट के बाद सिर्फ 2 घंटे और 34 मिनट बाद हुआ था।